सभी छात्र छात्राओं को बहुत दिनों से काफी इंतजार था कि छात्रवृत्ति का स्टेटस कब चेक होगा। अब वो डेट आ गया है, छात्रवृत्ति का स्टेटस चेक होने लगा है। सर्वप्रथम आप लोगों को गूगल पे जा करके यूपी स्कॉलरशिप लॉगिन करना है। यूपी स्कॉलरशिप लिखने के बाद आपको इस तरह का पेज खुल जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करना है। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल। अगर आप फ्रेश भरे हैं तो फ्रेश, रिन्यूअल है तो रिन्यूअल करना है। फ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे प्री मैट्रिक, 9-10 और पोस्ट मैट्रिक है तो आप 10-12, 11-12 से ऊपर जो भी क्लास है जो है। फिर उसके बाद आपको प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस खुल के मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भर देना है। रजिस्ट्रेशन संख्या भरने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेटा भरने के बाद आपको जो अपने छात्रवृत्ति भरते से अपना पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड भर देना है। पासवर्ड भरने के बाद आपको कैप्चा कोड भर देना है। कैप्चा कोड भरते ही आपको इस तरह खुल के मिल जाएगा। फिर उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से चेक कर लेना कि आपकी छात्रवृत्ति कहाँ पे रुका हुआ है, फिर कोई समस्या तो नहीं है। फिर आपको यहाँ पे चेक करेंट स्टेटस दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। देखिए इस छात्रवृत्ति में कोई कहीं दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती तो यहाँ पर दिखा देता कि कहाँ पर क्या दिक्कत है। अगर आप इसको नहीं चेक करेंगे तो फिर आपकी छात्रवृत्ति आएगी नहीं, और जो भी गलत जो भी होगा फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। दिखने के बाद आपको इससे समझ में आ जाएगा कि मेरी स्कॉलरशिप कहाँ पे पेंडिंग है। फिर उस हिसाब से आपको करेक्शन पे खोल के सब कुछ कर चेंज कर लेना है।